नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के रही है, एक-एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान निकल के आया है। प्रधानमंत्री युवाओं को लेकर किया है संबोधित, जानेंगे क्या कुछ बड़ी बातें कही। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आखिर अब लद्दाख दौरे पर क्यों जाने वाले हैं? जी हाँ, LOC, POK, LAC सबका करेंगे दौरा। 17 से 18 जुलाई के बीच यह दौरा, इसके बारे में आपको बताएंगे आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच डिफेंस को लेकर महिंद्रा ने उतार दिया है बख्तर बंद वाहन। माओवादियों आतंकवादियों के मंसूबे होंगे ध्वस्त। जी हाँ, इस गाड़ी के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जियो ने पूरी तरीके से चीन के सपने को मिट्टी में मिला दिया है। जी हाँ, मेड इन इंडिया 5G का ऐलान कर दिया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और कैसे चीन का सपना पूरी तरीके से तार तार हो गया है, और 5G ऐलान के बाद भारत अब लीड करने जा रहा है पूरी दुनिया के, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर क्या कुछ बड़े बयान दिए, लेकिन दिल्ली हिंसा को लेकर असद ओवैसी ने रोना रोया है। जी हाँ, दरअसल बीजेपी के नेताओं को क्लीन चिट मिलने के बाद असद ओवैसी का बड़ा बयान निकल गया है। सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की बर्खास्तगी को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कांग्रेस पूरी तरीके से देश के दुश्मनों को हराएगी बल्कि कोरोना से भी लड़ेगी, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 941,000 को पार कर गया है। आपको बता दें कि 941,630 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो वहीं मृतकों की संख्या 24,371 को पार कर गई है। आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच अच्छी खबर भी ये निकल के आ रही है कि यहाँ पर 594,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 594,723 लोग रिकवर हो चुके हैं, तो वहीं एक्टिव केस 322,000 के करीब हो चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, विश्व युवा कौशल दिवस। पीएम ने कहा, कौशल आपको दूसरों से अलग बनाता है, इसलिए देश के युवाओं को अब नए स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संबोधन के जरिए लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कौशल अद्वितीय है और ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपको बता दें कि आज कौशल इंडिया मिशन के स्थापना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस संकट ने वर्ल्ड कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल कर रख दिया है, लेकिन हमारे युवा हर दिन बदलते वक्त के साथ नए कौशल को भी सीख रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में व्यापार और बाजार इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा प्रभावी कैसे रखा जाएगा। मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ, प्रभावी रहने के लिए मंत्र है स्किल, रीस्किल और अप स्किल, यानी आप लगातार अपने आप को बदलते रहें और स्किल को सुधारते रहें, सीखते रहें कुछ न कुछ, और यही भारत को बदलेगा। आने वाले भविष्य को लेकर पीएम मोदी ने इस तरीके से युवाओं से एक बड़ी अपेक्षा की। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह 17 से 18 जुलाई को करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा, सेना प्रमुख भी होंगे साथ, POK LAC तक भी जाएंगे। आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 से 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 17 जुलाई को लद्दाख और 18 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC का दौरा करेंगे, इसके अलावा वो LOC भी जाएंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे, यहां से वो LOC जाएंगे। यहां पर वो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। ये जायजा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इस रक्षा मंत्री के दौरे से पाकिस्तान पूरी तरीके से भड़क गया है। पाकिस्तान का कहना है कि कभी भी भारत POK पर अटैक कर सकता है, और यही कारण है कि अभी तक चीन लगातार गलवान घाटी में डेरा डाली थी, लेकिन अब चीन जैसे जैसे पीछे जा रहा है पाकिस्तान की सांसें वैसे वैसे अटकती जा रही है और भारत पर भी हमला कर रहा है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं, डिफेंस के लिए महिंद्रा ने उतारा बख्तर बंद वाहन, माओवादी आतंकियों के मंसूबे होंगे ध्वस्त। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने डिफेंस सेक्टर में कदम बढ़ाते हुए एक अत्याधुनिक और
हाईटेक बख्तरबंद वाहन लॉन्च किए हैं जो सैन्य और सैनिक बलों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी खासियत यह है कि वो माओवादी या फिर अन्य तरह के आतंकियों द्वारा बिछाए जाने वाले लैंडमाइन से भी सुरक्षा जवानों को सुरक्षित रखेगा। कंपनी के मुताबिक इसे जल्द ही संयुक्त राष्ट्र को शांति अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। लॉन्च के बारे में बताते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में इसे मीन मशीन यानी बहुत ही ताकतवर वाहन बताया है। और आपको बता दें कि इस वाहन से कहीं ना कहीं अपने आप में जो आतंकी हैं उनको जंगलों से ढूंढ ढूंढ कर मारना बेहद आसान होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक हर तरीके से इसको सुरक्षित बनाए गए। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि जियो के ऐलान से चीन के मंसूबों पर पूरा फिरा पानी। जियो ने किया मेड इन इंडिया 5G का ऐलान। अगले 3 सालों में 5G देगा जियो, अंबानी ने किया ऐलान। जी हाँ, दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 43वें एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। चूँकि 5G टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर में एक रेस चल रही है, इसलिए अब मुकेश अंबानी ने मेड इन इंडिया 5G लॉन्च करने की बात कह दी है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ने स्क्रैच से कंप्लीट 5G सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, जिससे भारत भर में वर्ल्ड क्लास 5G लॉन्च करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि यह 5G सॉल्यूशन 100% भारत में ही बनाया गया है। मुकेश अंबानी इसे मेड इन इंडिया 5G का नाम दिया है। हालांकि इसकी शुरुआत अब तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत में 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध ना हो जाए। अगले साल तक रिलायंस जियो का 5G सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। मुकेश अंबानी के मुताबिक 4G से 5G अपग्रेड काफ़ी आसान होगा। स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि 5G लॉन्च नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को डेडिकेट किया जा रहा है। मुकेश अंबानी का टारगेट भारत ही नहीं बल्कि 5G दूसरे देशों में भी लॉन्च करने की तैयारी है, और इसी को देखते हुए उन्होंने ग्लोबल लॉन्च की भी तैयारी की है। इस तरह कंपनी ग्लोबल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, तो ये अपने आप में एक मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारनामा है जियो कंपनी का, जिससे चीन की हुआवे कंपनी को बड़ा झटका लग सकता है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। राजस्थान राजनीतिक संकट में, कांग्रेस ने राजस्थान में सभी जिला और ब्लॉक कमेटियों को भंग किया। जबकि अशोक गहलोत ने पायलट पर निशाना साधते हुए कहा है कि अच्छी अंग्रेजी और खूबसूरत देखना ही सब कुछ नहीं होता है, तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में मचे उठापटक के बीच राजस्थान में राजनीतिक संकट अभी थमा नहीं। अब गेंद सचिन पायलट के पाले में। मंगलवार को मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पायलट अब अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। उनके BJP में जाने की भी अटकलें हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ अशोक गहलोत के सामने भी अपने विधायकों को बचाए रखने की चुनौती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 20 के करीब लगभग विधायक बगावती सुर अख्तियार कर चुके हैं, और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी करके नोटिस जारी किया, उनसे जवाब मांगा। कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आखिर वो व्हिप जब जारी हुई थी उस बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए हैं। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि अब सचिन पायलट ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान भी नाराज बताया जा रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, अमेरिका से निकल के आ रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, अब चीन से और बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल चीन के साथ चरण 2 व्यापार वार्ता पर दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बीजिंग के साथ व्यापार के बारे में बात नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीन के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं। CBS न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि अब ट्रेड डील के लिए चीन के साथ दूसरे देशों की बातचीत को खत्म समझा जाए, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चीन से बात करने में दिलचस्पी नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि हमने जनवरी में ट्रेड डील के पहले चरण में एक बेहतरीन व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जैसे ही सौदा हुआ उनकी स्याही भी नहीं सूखी होगी। उन्होंने हमें प्लेग दे दिया। ट्रंप ने कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए कहा है कि ये भी वुहान शहर से ही निकल कर आया है, और इसलिए अभी कोई फिलहाल ट्रेड डील पे बात नहीं होने वाली। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, दिल्ली हिंसा को लेकर फिर रोया असद ओवैसी। दरअसल पुलिस का हलफनामे में कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के नेताओं को क्लीन चिट दी गई है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में मंगलवार को हलफनामा दायर किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस नहीं बनता है। हिंसा में उनकी भूमिका में अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस के हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनीष सिसोदिया, प्रियंका गांधी और अमानतुल्ला खान द्वारा
दिए गए बयानों की जांच की जा रही है। अगर इन बयानों में हिंसा से कोई संबंध मिल रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन अभी इन सबको देखते हुए असद ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर हमला बोला है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार पूरी तरीके से मिली हुई है। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के सीधे सीधे गद्दारों को गोली मारे, देश के लोगों को गोली मारने की बात कह रहे हैं, जबकि कपिल मिश्रा सीधे सीधे भड़काऊ बयान देकर पुलिस प्रशासन के सामने खड़े होकर चुनौती दे रहा था, जो कानून के दायरे में CAA का विरोध कर रहे थे। इस तरीके से असद ओवैसी का कहना है, उनका कहना है कि लेकिन बावजूद इसके इतनी क्लिप वीडियो वायरल होने के बाद इनको क्लीन चिट देना अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। तो उन्होंने गृहमंत्री शाह पर निशाना साधा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनकापुर जिले के हेमताबाद के विधायक देवेंद्र रात नाथ रे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की CBI जांच की मांग के साथ साथ राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि भाजपा महासचिव पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने और राष्ट्रपति कोविंद से इस संबंध में अनावश्यक कदम उठाने की मांग की है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विजयवर्गीय ने कहा कि हमें वहां की किसी भी एजेंसी पर कोई विश्वास नहीं है, हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है इस प्रकरण की CBI जाँच होनी चाहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, जहाँ पर सेना में सोशल मीडिया बैन को चुनौती देने वाले अधिकारी से कोर्ट ने कहा आदेश माना जाए या फिर इस्तीफा दे दो। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि या तो संगठन के आदेश का पालन कीजिए या फिर इस्तीफा दे दीजिए। दरअसल हाल ही में भारतीय सेना द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत 87 एप्लीकेशन और सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस्तेमाल सशस्त्र बल के कर्मियों के प्रतिबंध किए जाने की सूचना थी और खबरों के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल PK चौधरी, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वे एक सक्रिय फेसबुक यूज़र हैं और सरकार को इस तरीके से बैन करने के बाद कई ऐसे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और उन्होंने इसको अपनी निजता बताया और स्वतंत्रता बताया। और इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जो गाइडलाइन संस्था जारी करती है वो देश हित में है और इसे हर व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा और जो इसका पालन नहीं करता है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गूगल ने किया जियो में 33,000 करोड़ रुपये का निवेश, लगभग 7.7% होगी जी हिस्सेदारी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 83वें AGM यानी कि सालाना महासभा शुरू हो चुकी, बड़े ऐलानों पर लोगों की नज़र। इसी बीच सिलसिले में मुकेश अंबानी की घोषणा की कि जियो प्लेटफॉर्म में गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके लिए गूगल जियो में 7.7% हिस्से के लिए निवेश करेगा। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म में गूगल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करेगा। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने सालाना महासभा के दौरान भी बताया है कि वो UAE की मुबाडाला, सऊदी अरब की PIF और FDI/ADI जैसे निवेशकों का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि गूगल दूसरा जियो में, रिलायंस जियो में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरी कंपनी बन चुकी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आई पास, PM मोदी अगस्त में रख सकते हैं नींव। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की एक तारीख का विकल्प प्रधानमंत्री मोदी के सामने भेजा गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री को भेजी गई आमंत्रण की चिट्ठी में श्रावणी पूर्णिमा के मुहूर्त का जिक्र है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पर PM मोदी की उपलब्धता की जानकारी देनी है। न्यास के एक सदस्य ने बताया कि हमारी ओर से प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण भेजा गया, तब तक कोरोना संकट भी काफ़ी घट जाएगा। अगर इसमें कोई व्यवहारिक या तकनीकी अड़चन आएगी तो अनंत चतुर्थी का मुहूर्त भी विकल्प होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे, 1,32,00,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,32,87,000 कन्फर्म केसेस, मृतकों की संख्या 5,77,000 को पार कर गई। यूनाइटेड स्टेट में 34,83,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,38,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 19,26,000 कन्फर्म केसेस, तो 74,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 9,36,000 कन्फर्म केसेस, तो 24,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 7,46,000 कन्फर्म केसेस, तो 11,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में दोस्तों ये आंकड़े तेज़ी के साथ
बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। फिलहाल इस वीडियो में इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।